हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग देखेंगे हेक्सागोनल बोल्ट विद नट एंड वॉशर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम में और बीओई एग्जाम में, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आपका बीओई एग्जाम के ड्रॉइंग पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है। तो चलिए देख लेते हाउ टू ड्रॉ हेक्सागोनल बोल्ट विथ नट एंड वॉशर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं बीओई के ड्रॉइंग पेपर के रिलेटेड एंड बीओई के न्यूमेरिकल पेपर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जो आपको काफी हेल्प करेगा बीओई एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हेक्सागोनल बोल्ट विथ नट एंड वॉशर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो मैं जो डाया और बोल्ट लिया हूँ ये 20 mm है। एग्जाम में आपको इसके कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है, बट जो ड्रॉ करने का प्रोसीड्योर है वो सेम रहेगा। तो मैं आपको एक हेक्सागोनल बोल्ट दिखाता हूँ, ये हाफ थ्रेडेड बोल्ट है और विथ नट एंड वॉशर के साथ, ठीक है। तो इसी का आज राइट साइड व्यू और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो जो डाया और बोल्ट है वो 20 mm लिया हूँ। तो मान लीजिए कि ये आपका 20 mm है। जो लेंथ ऑफ बोल्ट है वो 5D है, तो यहां से ये वाला पोर्शन 5D है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका 3D टू 20D होता है, तो ये स्टैंडर्ड एक डायमेंशन है। तो 5D है, तो ये वाला पोर्शन आपका 5D है, ओके। लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन 2D, तो ये जो हाफ थ्रेडेड यहां तक किया हुआ है तो इसका डिस्टेंस है 2D, ठीक है। डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर फॉर बोल्ट, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अक्रॉस कॉर्नर बोलते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 2D है, ठीक है। विड्थ ऑफ द नट अक्रॉस फ्लैट, ये जो अक्रॉस फ्लैट है यहां से ये वाला पोर्शन इसको अक्रॉस फ्लैट बोलता है, ठीक है। तो ये है 1.5D प्लस 3 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ हेड, ये जो आपका जो बोल्ट का जो हेड है इसका जो थिकनेस है ये 0.8D होता है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ बोल्ट डी ये 20 mm है। रेडियस ऑफ चैम्फर आर इक्वल टू 1.5D होता है। तो आप देखिए यहां पर जो ये जो रेडियस ऑफ चैम्फर है ये 1.5D है। वॉशर का डाया, ये जो वॉशर है इसका डाया है 2D प्लस 4, और जो वॉशर का थिकनेस है वो 0.15D, तो ये 0.15D होता है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका राइट साइड व्यू है वो आपका ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल है, ये वॉशर के साथ है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद आपका जो बोल्ट का डाया है वो 20 mm है, तो यहाँ पर 20 mm मार्क कीजिए। 20 mm मार्क करने के बाद ये 20 mm का एक रेडियस लेके एक लाइट सर्किल ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद ये एक लाइट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां पर कंपास रख के। यहां पर एक कट कीजिए, फिर इधर कट कीजिए, फिर यहां पर कंपास रख के इधर कट कीजिए और यहां पर कट कीजिए। उसके बाद यहां से इसको जोड़ दीजिए, यहां से इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद यहां से इसको जोड़िए, फिर ये लाइन से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर लास्ट में इसको मिला दीजिए। तो ये आपका हेक्सागोन रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आपका जो ये रेडियस ऑफ चैम्फर है ये वाला पोर्शन,
मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख पा रहे ये जो ये वाला पोर्शन है, तो इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर कंपास रख के ये जो हेक्सागन है इसको टच करके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ओके, अभी इसके बाद ये आपका बोल्ट का मेजर डाया है, ये वाला पोर्शन है, तो इसको ड्रॉ करना है। तो आपका ये बोल्ट का डाया है 20 mm, सो आप यहां पर 10 mm मार्क करके और ये आपका हिडन पार्ट रहेगा, क्योंकि आपका ऐसा रहेगा तो आपको ये जो फ्रंट राइट हैंड साइड व्यू में ये वाला नीचे वाला बोल्ट पोर्शन दिखाई नहीं देगा, सो ये आपका हिडन पार्ट रहेगा। ठीक है, सो आपको यहां पर हिडन लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बोल्ट का माइनर डाया है, आप देख पा रहे हैं यहां से ये वाला पोर्शन जो है ये आपका बोल्ट का माइनर डाया है, तो इसको भी ड्रॉ करने के लिए आपको ये 0.8D होता है, तो 0.8D होता है मतलब 16 mm, सो यहां पर 8 mm का एक रेडियस रहना पड़ेगा। उसके बाद इसको भी आपको हिडन लाइन ड्रॉ करना है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ये यहां तक कि 1/3 करना है, ये वाला पोर्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर ही इतना ही दिखाना है। तो इसके बाद ये जो वॉशर है इसको ड्रॉ करेंगे, तो वॉशर का डाया निकलने के लिए 2D+4 करेंगे, तो आपका ये 44 mm है। ठीक है, वॉशर ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे अभी। ओके, 22 mm यहां पर मार्क कीजिए। उसके बाद इसका एक रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद ये जो लाइट सर्किल है इसको रब कर दीजिए। ये आपका राइट साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है, और मैं डायमेंशन बाद में दूंगा, पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए ये जो थिकनेस ऑफ हेड है ये है 0.8D। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है अक्रॉस कॉर्नर डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर ये 2D है। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये है 5D लेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो आप यहां से इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए तो आपको काफी इजी होगा ड्रॉ करने में, और प्रोजेक्शन लाइन आप हमेशा थिन खींचेगा। मैं लाइंस रिलेटेड एक वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये जो थिकनेस ऑफ बोल्ट हेड है वो 0.8D है, तो 0.8D करेंगे तो 16 mm आएगा। ठीक है, तो 16 mm मैंने यहां पर मार्क किया। तो ये जो अक्रॉस कॉर्नर है ये 2D होता है, सो ये वाला पोर्शन आपका 2D होगा। यहां पर एक लाइट लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर भी सेम लाइट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो उसके बाद रेडियस ऑफ चेंबर ड्रॉ करेंगे, तो रेडियस ऑफ चेंबर ड्रॉ करने के लिए 1.5D करेंगे, तो ये पोर्शन से अंदर के साइड में 1.5D मतलब 30 mm मार्क करेंगे। फिर यहां पर कंपास रख के यहां पर एक चैम्फर ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं और ये 30 डिग्री एंगल में भी आप चम्पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फ्री हैंड करेंगे तब भी चलेगा, तो मैं आपको फ्री हैंड करके दिखाता हूँ। तो ये आपका ये बोल्ट का हेड ड्रॉ हो चुका है, अभी उसके बाद बोल्ट का लेंथ ड्रॉ करेंगे। सो बोल्ट का लेंथ ड्रॉ करने के लिए आपको ये 5D ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5D, D इक्वल टू 20, तो 5 × 20 मतलब 100 mm ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 100 हो रहा है, तो उसके बाद ये जो नॉमिनल डाया है जिसमें आपका थ्रेड कटिंग है तो उसको ड्रॉ करने के लिए 0.8D होता है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लिया तब भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ से ये वाला पोर्शन 0.8D होता है, ठीक है। तो 0.8D करेंगे तो 16 mm होगा, 16 mm। सो अभी जो लेंथ ऑफ थ्रेड पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक जो थ्रेड किया हुआ है हाफ थ्रेड, वो आपका 2D होता है, ठीक है। तो 2D 2 × 20 तो 40 mm होगा। यहाँ पर आपका एक 45 डिग्री एंगल में आपको बोल्ट का जो नॉमिनल डाया है उसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये भी आपका यहाँ पर 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको डायमेंशन में निकलना पड़ेगा कि ये 45 डिग्री एंगल पे है। तो ये आपका बोल्ट कंप्लीट हो चुका है, बट इसके बाद हम लोग इसको नट लगाएंगे और एक वॉशर भी देंगे, ठीक है। सो नट लगाने के लिए हम लोग इसको ये 2D, फिर उसके बाद इसका भी ऐसे चैम्पर बनाने के लिए 1.5D होता है। तो इधर से इस साइड में 1.5D तो 30 mm मार्क करेंगे। सो ये ऑलरेडी आपका 30 mm यहाँ पर है, सो ये पॉइंट से 30 mm यहाँ पर हो रहा है, फिर इधर से यहाँ से ऐसे यहाँ तक एक चैम्फर ड्रॉ कीजिए। ये भी आपका एंगल 30 डिग्री होगा बट आप इसको फ्री हैंड कर सकते हैं। और ये दोनों हिडन लाइन होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर नट रहेगा तो आपको अंदर का बोल्ट का ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर ये नट है इसलिए आपको अंदर का ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, तो ये आपको हिडन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी इसके बाद वॉशर ड्रॉ कर लेते हैं। तो वॉशर ड्रॉ करने के लिए आपको 2D + 4 करना पड़ेगा। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ से प्रोजेक्शन लिया था, तो इसलिए अगर आप प्रोजेक्शन ले लेंगे तो आप काफी आसानी होगा, नहीं तो आप 2D + 4 कर सकते हैं। तो 2D + 4 करेंगे तो आपको 44 mm होगा, ऐसे ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो थिकनेस होता है वॉशर का वो 0.15D होता है, तो 0.15D करेंगे तो 3 mm आएगा। सो 3 mm आप यहाँ पर मार्क कीजिए, इधर से भी 3 mm मार्क कीजिए और इसको ऐसे यहां से जोड़ दीजिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉप व्यू। सो यहां से एक 45 डिग्री एंगल ले लेंगे, फिर इसका यहां से प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इधर से भी प्रोजेक्शन ले लीजिए। उसके बाद ये जो यहां पर जो हेड होगा बोल्ट का टॉप व्यू में वो अक्रॉस फ्लैट होगा। अक्रॉस फ्लैट मतलब आपका ये
1.5D+3। सो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 1.5D+3 होगा, ठीक है। और ये जो थिकनेस है हेड का ये तो 0.8D होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो थिकनेस ऑफ बोल्ट है 20 mm, वो ये जो प्रोजेक्शन लिया यहां से आप कीजिए तो ये आपका 5D होगा, ठीक है। आप अगर दो व्यू बना लेंगे तो जो तीसरा व्यू है वो काफी आसानी से बन जाएगा। सो इसका भी रेडियस ऑफ चैम्फर ड्रॉ करने के लिए 1.5D है, तो इस साइड में मार्क करेंगे, ठीक है। फिर इसका भी रेडियस ऑफ चैम्फर ड्रॉ करने के लिए वो सेम मेथड है, 1.5D करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका हिडन लाइन दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हो चुका है। तो मैं अभी इसको प्रॉपरली डायमेंशन दे देता हूं। तो हेक्सागोन बोल्ट का जो राइट साइड व्यू है, फ्रंट साइड व्यू है और टॉप व्यू है, उसका ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और मैंने प्रॉपरली डायमेंशन भी दिया है। और ये आपका राइट साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, और आपको डायमेंशन भी ऐसे ही देना है। और ये आपका जो स्केल है ये 1:1 है। अगर आपको रिड्यूसिंग स्केल में ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो ये जितने भी डायमेंशन है सब रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। और डाया ऑफ बोल्ट मैंने 20 mm लिया था और ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऐसा भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ये जो जितने भी मैंने डी लिखा है तो सब वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और आपको हेक्सागोन बोल्ट विथ नट एंड वॉशर, तो ऐसे आपको ड्राइंग बनाना है, ठीक है। और जो आपको हिडन पोर्शन है वो हिडन पोर्शन में दिखाना है, और बाकी आपको ऐसे जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे हाईलाइट करना है। तो आई होप ये ड्राइंग आपको अच्छे से समझ में आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिए तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। और कुछ नया नया टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगा। So thanks for watching my video. Thank you.